सामाजिक न्यायर महान उदाहरण दलित वंचित शोषित जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिल भारतरत्न बिहार पूर्वतन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिल मरणोत्तर सम्मान निष्पत्ति को केन्द्रमंत्री समेत विरोधी दल नेता स्वागत जन्म शतवार्षिकी जननायकों सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान मृत्युर 35 वर्ष पर बिहार पूर्वतन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारतरत्न सम्मान प्रदान निष्पत्ति मोदी सरकार जननायकों जयंती पूर्व संध्या रे राष्ट्रपति भवन घोषणा को नहीं बिहार राजनीति में सृष्टि कंपन कर्पूरी ठाकुर को भारतरत्न प्रदान नहीं घोषणा होगा पर खुशी जाहिर कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक्सपोस्ट रे महान जननायक कर्पूरी ठाकुरजी को भारतरत्न प्रदान मनोनयन से बहुत खुशी बोली उल्लेख करपत्ति प्रधानमंत्री को धन्यवाद जनवा सहित घोषणा को स्वागत केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सेपरी जेडीयू बीएसपी दल पक्षर निष्पत्ति स्वागत कर भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय यह निर्णय की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का मतलब भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के हर गरीब और वंचित को सम्मानित किया है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन हमेशा सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा और उसके लिए उन्होंने परिश्रम की प्रकाष्ठा की। उन्होंने गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसके लिए उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने कार्यकाल में जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी वे मुख्यमंत्री थे, आरक्षण लागू किया, इसके लिए उनको कितना झेलना पड़ा था। और सच पूछिए तो जो उन्होंने आरक्षण लागू किया इसलिए उनको अपना कार्यकाल पूरा करने का मौका नहीं दिया गया और कितना त्याग किया उन्होंने और ये लागू हो गया। 1988 मसीहा फेब्रुआरी 17 तारीख रे शेष निश्वास त्याग करथिबा कर्पूरी ठाकुर पछुआ वर्ग लोकों उन्नति पाई जीवन को उत्सर्ग करथिले। 1970 रु 1971 1977 रु 1979 पर्यंत दुई थर बिहार मुख्यमंत्री भाव में जनतांकर सेवा करिवार सुजोग पाइथिले। या पूर्व 1967 मार्च 5 रु 1968 जनवरी 31 पर्यंत से बिहार उपमुख्यमंत्री पद सहित राज्यर शिक्षा विभाग भार संभालिथिले। समाज रे सम्मान बचा सहित सरकारी चाकरी रे पछुआ वर्ग को प्रतिनिधित्व सुजोग देवाई जीवनव्यापी संघर्ष जननायक भाव जनतांकर निकटतर करथिला। 1978 मसीह बिहार सरकारी चाकरी रे पछुआ वर्ग 26% संरक्षण व्यवस्था करी चर्चा को आसीथिले कर्पूरी ठाकुर। तांकर एही पदक्षेप 90 दशक मंडल कमिशन को सुपारिश पई आधार पलटिथिला। कर्पूरी ठाकुर शिक्षा मंत्री थिबा बेले विद्यार्थी को फीस बंद कर देथिले। इंग्राजी भाषा अनिर्वाज्यता को मध्य शेष करथिले। केवल शिक्षा क्षेत्र रे नुहे भू संस्कार रे मध्य तांकर बड़ योगदान रहिथिला। जमीदार को ठारु जमी आनी भूमिहीन दलितों मध्य आवंटन करिबा परि पदक्षेप नहीं कर्पूरी। देश स्वाधीन होगापर गाँ स्कूल शिक्षकता करुवा कर्पूरी ठाकुर 1952 मसीह प्रथम थर सोशियालिस्ट पार्टी टिकेट रे निर्वाचन लड़ी ताजपुर आसनु विधानसभा को निर्वाचित होते। देखिए, भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर के हम समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान इससे नहीं बढ़ा है। ये समस्त पिछड़े अति पिछड़े शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सम्मान किया है और इसी के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी जाने जाते हैं। चाहे प्राण प्रतिष्ठा कर रामलला को अयोध्या में 22 तारीख को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया उसके लिए हो या अनेकों काम वो करने जा रहे हैं, जैसा कि कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो आज यही साबित हो गया
कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दे करके जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया। जिन्होंने कि शोषित दलित वंचितों महिलाओं के लिए पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष किए और उनके लिए काम किए और उनके पद चिन्हों पर हमारी सरकार, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, उनके अधूरे सपने को पूरा कर रहे हैं। तो आज 100वीं जयंती के अवसर पर इस तरह का सम्मान मिलना ये बड़ी बात है। अवहेलितों को उन्नति पाई जीवनव्यापी प्रयास सहित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण रे कर्पूरी ठाकुर भूमिका आज बिहार दलित वंचित एवं शोषित मुंड टेक बचाक शक्ति जगैसी। भारतीय राजनीति में निस्वार्थ जनसेवार स्पष्ट छाप छाड़ जननायकों देशर 49वां भारतरत्न सम्मान प्रदान घोषणा देशवासी प्रेरणा जगैसी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।